आरोही अर्जुन से बदला और साथ में तलाक लेने के लिए वो अर्जुन के घर आई हुई थी और उसी पार्टी पे आकर वो सबकी बेइज्जती करती है, मतलब जो उनके रिश्तेदार आए हुए होते हैं उनकी। अर्जुन आरोही को उसके कमरे में लेकर आता है और उसी टाइम उसकी बरकटी मॉम आती है और बड़े ही एटीट्यूड से कहती है कि अभी तेरे को मजा चखाती हूँ मैं, और एक मचक खींच के मारती है। आरोही कहती है कि माफ़ी मांग लीजिए और बात को यहीं पर ख़त्म कीजिए, और जाहिर सी बात है ये बरकटी माफ़ी तो मांगने वाली है नहीं। अर्जुन कहता है कि ये लो फ़ोन और अपने घर वालों के पास फ़ोन करो और बोलो कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ, जेल ले जाओगे। और इधर अर्जुन आकर बोल ही रहा होता है कि अभी आ रहे होंगे उसके घर वाले, और उसी टाइम पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है और फिर स्टाइल से राजवीर की एंट्री होती है। राजवीर कहता है कि मैं यहाँ पर रुद्र प्रताप की बीवी को लेने आया हूँ। ये लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई मैंने क्या कर दिया। फिर आरोही आती है रोते हुए, दिखाती कि देखो मेरे कितना तेज तमाचा मारा है। राजवीर कहता है कि आप पर दहेज उत्पीड़न का आरोप है, आपको 7 साल की सजा हो सकती है। आरोही कहती है कि मैं केस वापस ले लूंगी, बस आप माफ़ी मांग लीजिए, जेल ना जाना पड़े इसलिए बरकटी को पहले 3 बार इंग्लिश में और फिर 1 बार हिंदी में माफ़ी मांगनी पड़ती है।